इस वीडियो में मैं एक सीएपीएफ एस्पिरेंट का सक्सेस शेयर करना चाहती हूँ। इसका नाम है धीरज सिंह मंदनावर और इसको पेपर 2 में 88 आया है, पेपर 1 में 138, बहुत अच्छे मार्क्स है। और ये 2023 के एग्जाम का मैं रिजल्ट बता रही हूँ। उसको रिटर्न आया 2027, इंटरव्यू में इसको 96 आया और टोटल 323। इसका सिलेक्शन नहीं हुआ। जब रिजल्ट आया तो पता चला लिस्ट में उसका नाम नहीं है, मगर फाइनली जो रिजर्व लिस्ट थी उसमें उसका नाम आया, धीरज सिंह बदनावत। और इसने सीएपीएफ क्रैक कर लिया तो बहुत खुशी हो रही है। ये स्टूडेंट जो है बहुत मेहनती है और 2022 से ये मेरे से जुड़ा हुआ है। 2022 में मेरा जो राइटिंग सेक्शन बैच था उसने ज्वाइन किया था, मगर 2022 का एग्जाम नहीं क्लियर हुआ उसका। फिर 2023 के एग्जाम के लिए इसने मॉक टेस्ट अटेम्प्ट किया था, इसने कोई ज्वाइन नहीं किया था कोई बैच। और मैं शेयर करना चाहती हूँ इसके आंसर्स। स्टूडेंट्स, ये इसके आंसर है, इसको 93 आए हैं। अब देख रहे हो एसे में 34, बहुत अच्छा कंटेंट लिखता था ये। मगर मुझे इसके आंसर पेपर इवैल्यूएट करते वक्त बहुत गुस्सा आता था, बहुत इरिटेशन होता था, क्योंकि कंटेंट इतना अच्छा होता था मगर राइटिंग बहुत बुरी होती थी। तो मुझे गुस्से में मैं लिखती थी कि डिडक्ट 10 मार्क्स। दूसरा प्रॉब्लम क्या था, ये इंस्ट्रक्शन फॉलो नहीं करता था। देखिए, सबसे पहली चीज है जो आपको पेपर 2 का आंसर बुकलेट मिलता है उसमें लिखा रहता है राइट लेजिबली इन इंक। लेजिबली लिखा हुआ इसका मतलब आपको ऐसा लिखना है तो एग्जामिनर को समझ में। आप इतना अच्छा कंटेंट दे रहे हो मगर राइटिंग बुरी है और एग्जामिनर को समझ ही नहीं आ रहा है, तो फिर क्या होगा। दूसरा प्रॉब्लम क्या था, उसने एक और इंस्ट्रक्शन है राइट विद इन द मार्जिन, वो मार्जिन के अंदर नहीं लिखता था, मार्जिन के बाहर लिखता था। तो इसे मैंने गुस्से में लिखा डिडक्ट 10 मार्क्स। ओके, हालांकि मैंने डिडक्ट नहीं किया मगर मैं उसको वार्न कर रही थी, अगर आप राइटिंग ढंग से नहीं लिखोगे तो अच्छा कंटेंट देने से कोई फायदा नहीं है, क्योंकि राइटिंग खराब होगी तो समझ नहीं आएगा। दूसरा, इंस्ट्रक्शन फॉलो नहीं करोगे तो ऐसा लगेगा कि आप बहुत इररिस्पॉन्सिबल एस्पिरेंट हो। याद रखना, आपके आंसर स्क्रिप्ट से ही पता चल जाता है आपकी पर्सनैलिटी के बारे में। आप क्या क्या पर्सनैलिटी, आप रिस्पॉन्सिबल हो, आप केयरफुल हो, आप केयरलेस, सब कुछ पता चल जाएगा। कितने ओबीडियंट हो, कितने सीरियसली आप इंस्ट्रक्शंस को फॉलो कर रहे हो, कितने सीरियसली आप यूपीएससी को ले रहे हो, इस सीएपीएफ एग्जाम को ले रहे हो। अब मैं कह रही हूँ मार्जिन के बाहर लिखता है, देखिए मार्जिन के बाहर, वाई बियॉन्ड मार्जिन। हालांकि देखिए इसने अच्छा कंटेंट दिया है, आप देखिए यहाँ पर भी इसने बियॉन्ड मार्जिन लिखा, इतने अच्छे से इसने पैराग्राफ में डिवाइड करके अपने कंटेंट को लिखा हुआ है, तो बहुत अच्छा लगता है इसका कंटेंट को पढ़ के। मगर बस प्रॉब्लम क्या है, राइटिंग बहुत बुरी है। इसको 8 आए हैं और मैंने लिखा है एक एसिमेट्रिक फेडरलिज्म पे क्वेश्चन था, तो कुछ जो प्रॉब्लम थी मैंने लिखा है मस्ट नॉट बी ट्रांसफॉर्म टू सिमेट्रिक फेडरलिज्म। एनीवेज, इसने जहां जहां गलतियां की थी आप देख सकते हो, मैंने उस गलतियों को सुधारने के लिए कैसे सुधारा जा सकता है, उस गलतियों को किस तरह से सेंटेंस को ढंग से लिख सकते हैं, वो चीज मैंने यहाँ पर उसको लिख के दी है। और अच्छी बात ये थी कि इंस्ट्रक्शंस को फॉलो किया है, अगर आपके मेंटोर आपको जो भी फीडबैक दे रहे हैं उसको सीरियसली लेना। और अच्छी बात इसकी ये थी कि ये फीडबैक उसने सीरियसली लिया है। अब यहाँ पर मैंने एक फीडबैक दिया है, योर कंटेंट इज रेलिवेंट एंड वेटी बट यू हैव टोटली लेफ्ट आउट रिजेंटमेंट। रिजेंटमेंट को उसने लीव आउट कर दिया। क्वेश्चन है एंड्योर क्रिटिसिज्म विदाउट रिजेंटमेंट। जब भी आप एसे का क्वेश्चन को जस्टिफाई करते हो अपने कंटेंट के थ्रू, तो आपको एसे के क्वेश्चन के एक एक कॉम्पोनेंट को जस्टिफाई करना पड़ेगा। आप एक भी कॉम्पोनेंट को लीव आउट नहीं कर सकते हो। तो इसने क्या किया, रिजेंटमेंट को पूरा का पूरा स्किप कर दिया। तो अगर ये रिजेंटमेंट को अच्छे से और जस्टिफाई करता या एक्सप्लेन करता तो इसको बहुत अच्छे मार्क्स मिलते हैं। एक और चीज है, आप लोगों को रिपीट नहीं करना है। अगर आप अपने कंटेंट में रेपिटेशन लेकर आ रहे हो, इसका मतलब आपके पास कंटेंट ही नहीं है, इसीलिए रिपीट कर रहे हैं एक ही चीज को। तो इसने भी रिपीट किया है, तो मैंने इसको बताया एरो मार्क के जरिए कि कहाँ इसने रिपीट किया है। एक और चीज थी कि धीरज हमेशा जब भी एसे को एंड करता था तो हमेशा कंक्लूसिवली, आप देखो कि हर एक एसे में लास्ट में वो कंक्लूसिवली लिखता था। तो फिर मैंने लिखा डू नॉट यूज द सेम टर्म अगेन एंड अगेन, इट कैन बी कंक्लूडेड इन सम, टू सम अप, समिंग अप, इन अ नटशेल, टू कंक्लूड, आप इस तरह से लिख सकते हो।
इसको 10 मिले हैं, वेल रिटन आंसर। अब देखिए, एविडेंस देना बहुत जरूरी है। यहाँ पर इसने लिखा नॉन मिलिट्रेंट थ्रेट्स लाइक फाइनेंशियल फ्रॉड, ठीक है, मालवेयर अटैक, प्राइवेट डेटा स्टीलिंग, तो ये सब चीज का अगर आप सिर्फ लिखने से नहीं होगा, कुछ एविडेंस हो कहाँ पे फाइनेंशियल फ्रॉड हुआ है, मालवेयर अटैक कहाँ पे हुआ, चाइना ने इंडिया में मालवेयर अटैक किया था, तो वो आप बता सकते हो। अगर आप एविडेंस दोगे तो आपका कंटेंट बहुत वेटी और रेलिवेंट हो जाएगा। ये इसने आर्ग्यूमेंट लिखा है, प्रॉपर तरीके से इंट्रोडक्शन, अंडरलाइन, और इसने यही चीज अपने एग्जाम पेपर में भी यही फॉलो किया है। फॉर में इसने 3-4 पॉइंट्स लिखे हैं, वैसे मैं बोलती हूँ 2 पॉइंट्स में लिखो तो बहुत है, मगर उसको एक्सप्लेन करो। तो इसने जो 4 पॉइंट्स लिखे ना उसको बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया है। स्टूडेंट्स क्या करते, एक्सप्लेन नहीं करते, टच एंड गो। सो 7 पॉइंट्स लिखेंगे, 8 पॉइंट्स लिखेंगे और बिना एक्सप्लेन के चले जाएंगे, तो फिर आपको मार्क्स नहीं मिलेंगे। एग्जामिनर को आप क्वांटिटी से मत इम्प्रेस करो, क्वालिटी से इम्प्रेस करो। अब इसने पॉइंट्स को बढ़ाए हैं, तो मैंने कहा कि 2 और 4 को मर्ज करो, 2nd पॉइंट और 4th पॉइंट को मर्ज करो, क्योंकि दोनों में ट्रांसफर हो रही है, इंटर कैडेट ट्रांसफर और यहाँ पर भी ट्रांसफर की बात हो रही है, तो इसीलिए आप मर्ज करो। तो जबरदस्ती आप पॉइंट्स को बढ़ाने की कोशिश मत करो, आप 2 पॉइंट्स लिखो काफी है। इसमें मैंने लिखा है एविडेंस लैक कर रहा है, इसलिए इसको 6 मिले हैं। हमेशा मार्जिन के बाहर लिखता है तो ये सही नहीं है। देखिए, धीरज की मेहनत थे और धीरज की मेहनत रंग लाई और फाइनली उसका सिलेक्शन हो गया है, तो बहुत खुशी हो रही है। फॉर में 5 पॉइंट लिखा, अगेंस्ट में 4 पॉइंट लिखा, आपको दोनों में इक्वल नंबर ऑफ पॉइंट्स देने हैं। ये रिपोर्ट है, रिपोर्ट के जो हेडलाइन होता है उसको कभी भी अंडरलाइन नहीं करना चाहिए, तो उसने अंडरलाइन किया तो मैंने वही मना किया है। सोर्सेज आप लिखो तो भी ठीक है, आप नहीं लिखो तो भी ठीक है। सोर्सेज लिखने से ऐसा नहीं है कि ये ना आपको मार्क्स एग्जाम में बहुत ज्यादा दे देगा, और सोर्सेज नहीं लिखोगे तो ऐसा नहीं है मार्क्स कम देगा। तो अब वाई आर यू वेस्टिंग योर टाइम इन राइटिंग सोर्सेज, दैट डजंट फेच यू मार्क्स। ये प्रेसी है, प्रेसी का जो बॉक्स है बॉक्स के अंदर ही लिखोगे, बॉक्स के बाहर नहीं लिखोगे। अगर बॉक्स के बाहर लिखोगे इसका मतलब ये है कि आप बहुत केयरलेस हो, बार बार ये बॉक्स के बाहर दिख रहा है, तो वही मैंने मना किया है, इसको मार्क्स अच्छे आए हैं प्रेसी में। अब ये रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन के आंसर लिख रहा है, तो इसमें धीरज ने क्या किया है, एवरी अनसक्सेसफुल एक्सपेडिशन कॉन्ट्रीब्यूट्स लेटर, तो ये चीज उसने रिपीट कर दी, तो रिपीट कर दोगे तो फिर आपका टाइम वेस्ट होगा ना, तो दिस स्टेटमेंट मीन्स ऐसे सीधे लिख दो बेटर रहेगा, और इसका आंसर ये सब चीज एक्स्ट्रा है, कोई मतलब ही नहीं। जो क्वेश्चन पूछा जा रहा है उसका आंसर लिखो, डू नॉट वेस्ट एग्जामिनर्स टाइम एज वेल एज योर टाइम। तो टाइम वेस्ट मत करो, जो पूछा गया उसी का आंसर करो, अंडरस्टूड? तो आंसर ये है, और ये सारी चीजें बेकार है। जहां उसने धीरज ने जो पूछा गया उसका आंसर लिखा है उसको मार्क्स पूरे मिले हैं, मगर जहां उसने एक्स्ट्रा मार्क्स एक्स्ट्रा लिखे हैं उसके एक्स्ट्रा मार्क्स कटे हैं। तो डू नॉट राइट एक्स्ट्रा, ऑलवेज रिमेंबर दैट इफ यू राइट एक्स्ट्रा यू आर वेस्टिंग एग्जामिनर्स टाइम, सो आंसर वॉट इज आस्ट। अब ये इसके ग्रामर है, ग्रामर में इसको 14 मार्क्स आए हैं, तो नॉट बैड, मगर है ना कोशिश करो 15 से ज्यादा आएंगे तो अच्छा है, इनफैक्ट 20 आ जाए तो और अच्छा है, क्योंकि ग्रामर स्टूडेंट्स बहुत स्कोरिंग होता है और ग्रामर को ही स्टूडेंट्स नेग्लेक्ट करते हैं। मतलब क्यों, व्हाई आर यू लीविंग आउट दिस सेक्शन, ग्रामर सेक्शन, जबकि इतना स्कोरिंग होता है, स्टूडेंट्स ऐसे पे बहुत ध्यान देते हैं, जबकि ऐसे 80 मार्क्स का होता है उसमें 45 से ज्यादा नहीं आ सकते हैं, बहुत मुश्किल है आना, ऐसा नहीं मैं बोलूंगी नहीं आ सकते मगर बहुत मुश्किल है आना, इसलिए ग्रामर पे बहुत ध्यान दो। ग्रामर ऐसा है कि आप 3-4 महीने मेहनत करोगे तो आप बहुत अच्छा स्कोर कर लोगे, और ग्रामर का क्लासेस भी चलता है यूट्यूब में, ₹159 पर मंथ, बहुत मिनिमल फीस है स्टूडेंट्स, आप उसको ज्वाइन करिए, फायदा उठाइए ग्रामर के क्लासेस का। थैंक यू वेरी मच स्टूडेंट्स। धीरज की जर्नी अब जाके शुरू हुई है असली जिंदगी, तो इसकी जहां पे भी पोस्टिंग हो मैं भगवान से प्रार्थना करूंगी और कर रही हूँ कि भगवान उसको सेफ रखे और स्वस्थ रखे और खुश रखे। थैंक यू वेरी मच।